बसंतपुर में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक अरविंद उर्फ भोला की हत्या के बाद बाजार के व्यवसायी सड़कों पर उतर कर जाम कर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों को स्थानीय प्रशासन समझाने में लगी है, लेकिन आक्रोशित लोग उनकी एक नहीं सुन रहे हैं। लोग शव को बसंतपुर SS 73 पर रखकर सड़क को जाम करके नारेबाजी कर रहे हैं। वही लोगों का गुस्सा स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासन पर जमकर फूट रहा है। लोग स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आक्रोशित लोगों का क्या कुछ कहना है। जितना बनिया है बसंतपुर का सब BJP का वोट देता है, ठीक है, टोटल बनिया, एक भी दूसरे किसी को वोट नहीं देता है बनिया। आज बनिया सुरक्षित नहीं है, आप सब यही बात कर क्यों? आज एक सब चोर है, हम आपसे एक ही बात, चोर है और बोलिए। अभी तक सुबह से ये हैं जो जिला परिषद हैं, सिवान गई थी मीटिंग में, इनको मालूम चला गई, विधायक जी को मालूम नहीं है, सांसद को मालूम नहीं है, मीटिंग छोड़ के आ गए। हमारे घर पार्टी होगा तो आ जाएंगे लोग, कहाँ से आएंगे लोग, कितना विधायक चलाएंगे, लेकिन कोई खतना होता है कोई नेता है, बनिया वोट देता है, बनिया सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जगह जगह कैमरा लगना चाहिए। क्यों ऐसी लगातार घटनाएं हो रही है? हम प्रशासन से ही चाहेंगे कि 50 मीटर पर हर जगह पर कैमरा का यूज किया जाए, ठीक है। पुलिस चौकी आज तक हमारे बसंतपुर में 5 घटना हुई, 4-5 घटना, लेकिन गोली चली, रंगदारी हुआ, लेकिन आज तक हमारे विधायक जी नहीं आए, आज तक विधायक जी नहीं आए कि क्या हुआ क्या नहीं, केवल वोट लेकर चले गए। वोट के बाद आज तक झांकने बसंतपुर नहीं आए। अरे विधायक तो मर गया है, चलिए बोलो, मरा है, बोलो बोलो, नहीं मरा है। इस परिस्थिति को देख के सिर्फ एक ही चीज याद आता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और यहाँ के नेता रुपया के पीछे, यहाँ के प्रशासन पैसे के पीछे जब तक भागेगा तब तक यहाँ पर कोई भी परिस्थिति सुधरने वाला नहीं है। 3-4 महीने के भीतर में 6-6 वारदात होना, ये कोई मुंह की बात नहीं है। पहला सुनार, दूसरा गारमेंट्स वाला, तीसरा कौन था यार, मछली वाला, कनौली का, चौथा फिर एक गारमेंट वाला, पांचवा धमकी मिलता है कहाँ, सोनार पट्टी में कि चलो, तो वहाँ पे क्या बैठता है? 2 पुलिस। अगर वहाँ पर अगर उस पुलिस वाले को भी ऐसे खींच के अगर बोल दिया जाए ना, तो उनका दम उखड़ जाए, माने इतने बुजुर्ग पुलिस, वो क्या सुरक्षा करेंगे हम लोगों की? स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से क्या मांग है आप लोगों की? हमारे स्थानीय प्रतिनिधि बहुत महान है, उन्हें सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, बाद बाकी बसंतपुर की जनता भाड़ में जाए, अपना वोट बने, ठीक, अपना वोट बनता भाड़ में जाए, भाड़ में जाए जनता, ठीक बोलिए। और एक चीज यहाँ और एक चीज बोलना है, हर कोई TV मोबाइल सब कोई देखता है ना, तो क्या विधायक जी के पास में ये खबर नहीं पहुंचा होगा, गया होगा? सोशल मीडिया आज के डेट में काफी ताकतवर है, क्या आपको लगता है कि अभी तक उनके पास खबर नहीं गया होगा? बिल्कुल पहुंचा, या DM के पास, या आपके SP के पास में, किसके पास खबर नहीं गया होगा? लेकिन यहाँ कोई भी आने से अब क्यों कतरा रहा है, क्यों कतरा रहा है? सिर्फ एक रीजन से कि जाएंगे तो वहाँ दारू नहीं मिलेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे जब वोट मांगने आएंगे तो ओपन जीप में हाथ हिलाते हुए जयराम जी की कैसे करते करते निकल जाएंगे, लेकिन वोट के बाद ना यहाँ पे कोई पुलिस, ना आपके यहाँ पे कोई नेता आते हैं, ना उनके कोई प्रतिनिधि आते हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए बहुत ही दुखद यह समाचार, इसको समाचार नहीं कहेंगे, परिवार के एक सदस्य का क्षति हुई है, जो इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको आघात हमको मने दुख पहुंचा है कि हम अभी सिवान मीटिंग में गए हुए थे, हमने अपने मोबाइल में मैसेज देखा कि लिखा हुआ था कि CSP चालक की मौत हो गई, तो हम वहां से चले, आज हम लोग का बैठक था, वहां से हम आए,
तो बहुत ही दुखद बात है, आए दिन घटना घटते रहती है। और ये हमारी मांग प्रशासन से भी रहेगी, एसपी साहब से रहेगा, डीएसपी कि सीएसपी चलता है वहाँ गार्ड को नियुक्त किया जाए और एक टाइम बनाया जाए कि सीएसपी का टाइम कितना बजे चलेगा और कितना बजे खत्म होगा। सीएसपी का कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी तब लोग खोलते हैं। इसे आए दिन घटना घटते, अपराध की घटना बढ़ते जा रही है। यह सरकार माने निकम्बी सरकार है। यहाँ के स्थानीय एमपी एमएलए जब वोट आएंगे तो वोट मांगने चले आते हैं, लेकिन मरने वाले के नाम पर लाश पर राजनीति किया जाता है, लेकिन जब जनता की राजनीति होती है तो यहाँ आते नहीं है। इस मौके पर सोनपुर में तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है, सोनपुर में कभी भी अपराधी घटना नहीं, अपराधी को पकड़ा जाए। मेन बात यही है पर माननीय विधायक जी को रहना चाहिए, विधायक संसद आए यहाँ पे, यहाँ पर ना एमपी आते हैं ना एमएलए आते हैं, जनता मारे जाते हैं, हमेशा अपराध के ग्राफ बढ़ते जाए।